श्री सीताराम गुरुदेव सीताराम आपकी जय हो। गुरुदेव हम कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से बोलो बहन। गुरुदेव तबीयत बहुत खराब है, तो 6 महीना से इलाज चल रहा, आराम नहीं मिल रहा कुछ। स्वास्थ्य में लाभ के लिए अभी आप गंगा जल का प्रयोग घर बैठे कर लीजिए, और लाभ होने लगे तो बागेश्वर बालाजी के आप दर्शन कर लेना। जाओ कृपा हो जाए ऐसा हमारा आशीर्वाद। अगला, कम समय में ज़्यादा लोगों के फोन उठा पाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सीताराम सीताराम प्रणाम, खुश रहिए, बोलिए बहन जी। भगवान की कृपा, कहाँ से हैं? जी गुरु जी, वैसे तो हम सीतापुर लखनऊ के हैं, मगर यहाँ कोलकाता में हैं, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो आर्मी। वाह जी, हाँ सर। गुरु जी बहुत आशीर्वाद। कोई आज्ञा हमारे लिए, कोई आध्यात्मिक प्रश्न आपका? हेलो हेलो हेलो, कोई आध्यात्मिक प्रश्न आपका? मतलब गुरु जी, बच्चे के लिए अर्जी लगा के आए थे जुलाई में। जी, पेशी शुरू की आपने? हाँ, तो मतलब एक थी हस्बैंड करके आ रहे, एक अभी तो मिलके आया आपसे, मतलब कर दिया था उनको, अभी आए 2 दिसंबर। ठीक है, अभी 6 तारीख की पेशी लगेगी, तो बना ले और पेशी अनवरत जारी रखें, बालाजी कृपा करें। अर्पित मिश्रा ये कह रहे हैं, गुरुदेव पूजा करने के दौरान झटके लगना किस बात का प्रतीक है? पूजा करने के दौरान झटके लगना, तो एक तो फाल्टिंग होना है। फाल्टिंग होने का मतलब है कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से आपके बॉडी पर एक्टिवेट है, जो पूजा को निष्क्रिय करने के लिए आपको वो कर रही है, अथवा फिर आपने कोई शक्ति जागृत की है तो उसकी और पूजा की फाल्टिंग हो रही है, अथवा फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा निश्चित है। सीताराम जय श्री राम। जय श्री राम भैया जी। जी बहन, आज्ञा। आपकी बहन वाह, आज्ञा बहन। रानू दमोह से। अरे वाह, जय हो बहन, ठीक हो? हाँ ठीक है, आप कैसे हो? खूब, बड़ी कृपा है बहन जी। चलो लो, आज बढ़िया रहो, कॉलिंग में आपकी बात ही हो गई। हम दमोह आ रहे 24 तारीख को बहन। भैया जी बहुत याद कर रहे, लेकिन याद तो कर रहे, जी लग रहा है धोखे की आप आ जाओगे, इससे बड़ी खुशी तो कुछ होगी नहीं, लेकिन ये धोखे की आप चली भी जाओगे। लेकिन आ तो रहे ना, अभी तो ये खुशी मनाओ की हम आ रहे हैं बहन। खूब तैयारी करना, आना बहन, वहाँ मिलने। जी भैया जी। हाँ हम आ रहे हैं, खुश हो भैया जी। एक बात और आपसे करनी थी। हाँ मुझे श्रीयंत चाहिए है। ठीक है, आप किसी को भेज दियो, सो कार्यालय में हम नाम लिखवा दें बहन। और आपको गुरु भाई बनाना है, भैया तो हम मानते हैं। जी बहन, आपसे मिल चुके हैं और आप सब कुछ जानते हैं, हमें पता भी है। जी बालाजी, आपसे हमारी रोज बात होती है। जी बहन। भैया जी, और मेरे मतलब हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा है, क्या करें इसके लिए? बहन हम कर देंगे उपाय, वहीं आप मिलेंगे ही, तो वही कवच वाला उपाय है और दूसरा बालाजी के चरणों में पेशी। बहुत धन्यवाद भैया जी, आपसे क्या बताएं, हमने तो आपको सब कुछ मान लिया भैया जी, अब हम कुछ बयान नहीं कर सकते अपने मन से, मतलब उसमें कोई नहीं बहन। नहीं बहन, कोई नहीं, हम आ रहे हैं, खूब बढ़िया जो है मिलेंगे बहन। आपको घर आना है? जी बहन, हम कोशिश पूरी करेंगे आने की। हेलो। हाँ कोशिश हम बहन पूरी करेंगे आने की। ये रोशन विश्वकर्मा जी हैं, ये कह रहे हैं हम कौन से भगवान की पूजा करें, ये हम कैसे समझें? उसके लिए आपके जिस आप अपने हिसाब से पहले तो देखिएगा कि आपके लक्षण किन से मिल रहे हैं। ये माला तो भगवान की पूजा के लिए जो है, आप किस भगवान की करें? सब एक ही हैं, जिनमें निष्ठा आपकी जमे उनकी करें। ये माला शर्मा कनाडा में रहती हैं, वो कह रही हैं हम अपनी कुलदेवी से बहुत दूर हैं, तो कुलदेवी की पूजा कैसे कर सकते? कुलदेवी की पूजा करने के लिए आप जहाँ हैं वहीं से उनके नाम का होम हवन
कनाडा में रहने वाली बहन जी होम हवन और उनके नाम की वहीं पर कन्या भोज अगर हो जाए तो ठीक है, अथवा फिर जो है उनके नाम का वहीं आसपास मंदिर में श्रृंगार दे सकते हैं।